भैया यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने आज तो अफगानिस्तान को भरपूर पेला है भैया। ऐसा पेला है किसानों को आज का नींद खराब कर दिएगा भैया। क्या कोटाई करी है गेंदबाजों की? यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे को बॉल ने फुटबॉल दिख रहा था भैया। जहां बॉल गिरता था वहीं से हवाई यात्रा के लिए रवाना कर देता था। टीम इंडिया के चमत्ते सितारे यशस्वी जायसवाल की जितनी तारीफ करे वो कम होगा। शब्द खत्म हो जाएंगे तारीफ करते करते। क्या बल्लेबाजी करी है? ऐसी बैटिंग करी है कि छक्के चौके की बरसात ही लगा दी। जायसवाल ने शानदार और आकर्षित बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 6 छक्के और 5 चौके की मदद से 68 रनों की तूफानी पारी खेली है। और शिवम दुबे ने भी MS धोनी के छत्र छाया में रहकर अपनी बैटिंग को काफी सुधार किया। दुबे जी ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 4 छक्के और 5 चौके की मदद से 63 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली है। और हमारे और आपके किंग कोहली के आज तो एक अलग ही रूप देखने को मिला। काफी आकर्षित तरीके से बैटिंग कर रहे थे। हालांकि किंग कोहली ने एक छोटी सी पारी खेली लेकिन भैया आकर्षित पारी खेली है। 16 गेंदों में 5 चौके की मदद से 29 रनों की तूफानी पारी खेली है। भारत और अफगानिस्तान का सेकंड T20 मैच इंदौर के मैदान पर खेला गया था जिसमें अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अफगानिस्तान टीम ने 20 ओवर में 10 विकेट खोकर 172 रन ही बना पाए। अफगानिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन गुलबादीन ने 35 गेंदों में 4 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट सिद्धी सिंह को 3 विकेटों की सफलता मिली। 172 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही अच्छी थी। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा लगातार 2 मैचों में सुन पर ही आउट हो गए। उसके बाद हमारे यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और हमारे किंग कोहली ने अफगानिस्तान को इतना पेला है कि 15.5 ओवर में ही मैच जीत लिए। मिलते हैं तब तक लिए दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।